सेलिब्रेशन टीवी इवेंट्स ऑफ अ लाइफ। होटल भावना क्लार्क इन में WHO और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले टीवी रोग की रोकथाम और अवेयरनेस को लेकर एक वर्कशॉप ऑन टीवी नोटिफिकेशन का आयोजन किया गया। इस दौरान वर्कशॉप में आए वक्ताओं ने भारत में सरकार द्वारा क्षय रोग मुक्त भारत बनाने संबंधी स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में बताया। साथ ही टीवी की रोकथाम में मरीजों का चिन्हीकरण और टीवी मरीजों का शत प्रतिशत डाटा के महत्व पर भी प्रकाश डाला। वर्कशॉप में बतौर मुख्य अतिथि IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर रविंद्र मोहन पचौरी के अलावा मुख्य वक्ताओं में SN मेडिकल से टीवी विभाग के HOD डॉक्टर संतोष कुमार, वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर SK कालरा और WHO कंसल्टेंट RNTCP आगरा डॉक्टर संदीप चौहान ने वर्कशॉप में टीवी को लेकर अपने अपने विचार रखे। देखिए, जो टीवी कंट्रोल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि सन 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस का एलिमिनेशन करना है हमें हिंदुस्तान से। ये संभव ही नहीं है जब तक प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों कोऑपरेट ना करें। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स दे आर बीइंग ट्रीटेड इन द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में करीब 20% और प्राइवेट सेक्टर में करीब 80% पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है। तो जब दोनों का कोऑपरेशन होगा और दोनों हाथ में हाथ मिला के चलेंगे, तभी TB का समूल उन्मूलन भारतवर्ष में संभव है। उसी उन्मूलन के लिए हमने आज ये कार्यशाला संयुक्त रूप से आयोजित की है। इसमें IMA के सारे मेंबर्स और स्वास्थ्य विभाग ने पार्ट लिया है और हम नई टेक्निक्स कैसे हम इस चीज़ को एक्सेप्टेबल बनाएं, हर TB के मरीज को नोटिफाई किया जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे पब्लिक सेक्टर का हो, चाहे वो दवा लेने जाए, उसको नोटिफाई करके उसको दवा दी जाएगी। और आज एक बजट में बहुत ही अच्छी घोषणा करी है भारत सरकार ने कि हर TB मरीज को 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। शायद ये कदम हमारे मजबूती से आगे बढ़ते रहे तो हम TB का समूल उन्मूलन कर देंगे 2025 तक। IMA और CMO ऑफिस की तरफ से भारत में जो ट्यूबरक्लोसिस का बीमारी है उसके प्रति जो उसका निदान है वो कैसे किया जा सकता है, इस पर यहाँ परिचर्चा हो रही है। और विशेषकर महिलाओं में और किशोरियों में जो ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण होते हैं, जिनमें अनियमित माहवारी, सफ़ेद पानी और बांझपन की वजह से जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको आइडेंटिफाई करके और उसका नोटिफिकेशन करना है और उसका सुचारू रूप से इलाज हो सके, इसके लिए जो है महिलाओं को भी जागृत करना है और वो आएं और अपना इलाज ठीक से कराएं। देखिए, ऐसा है कि फेफड़ों के अलावा, पेट के अलावा, जो महिलाओं में विशेषकर जननांगों में भी ट्यूबरक्लोसिस पाई जाती है, तो जिसकी वजह से उन्हें सफ़ेद पानी की शिकायत हो सकती है या फिर बांझपन हो सकता है या फिर अनियमित माहवारी की शिकायत हो सकती है। तो इन तीनों जो लक्षण हैं उनको डॉक्टर ही पहचान सकते हैं और उनको जांच कराकर ये बता सकते हैं कि ये जो तीनों लक्षण हैं ये ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हैं और ट्यूबरक्लोसिस का इलाज कराने से ये लक्षण ठीक हो सकते हैं। जो अब तक प्रोग्राम चल रहा था वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अलग ट्रीटमेंट दिया जा रहा था और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अलग टाइप का ट्रीटमेंट था, लेकिन अब जो चेंजेज आए हैं इसमें उससे भी प्रोग्रेस भी हुई हमारी। 2 deaths every 5 minutes में डेथ, 2 deaths हो जाती हैं। तो इसके लिए अब जो प्रोग्राम बनाया गया है उसके लिए ये नोटिफिकेशन ज़रूरी है। प्राइवेट डॉक्टर्स में जहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं जो प्राइवेट डॉक्टर से, प्राइवेट डॉक्टर्स को भी ज़रूरी है कि वो नोटिफाई करें, है ना, जिससे कि वो एक निश्चय हमारे पोर्टल है उस पर अगर आ जाता है तो उसको फॉलोअप हम लोग कर सकें, सरकारी मशीनरी भी उसको फॉलोअप कर सके। अगर वो ट्रीटमेंट छोड़ने जा रहा है, किसी वजह से ब्रेक होता है, तो गवर्नमेंट मशीनरी उसको टेकअप करके आगे फॉलो कर सकती है। IMA का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कम्युनिटी के 80% मरीजों को प्राइवेट सेक्टर ही देखता है और IMA का जो ये आयोजन हो रहा है, IMA ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ जो प्रोग्राम किया है उसका मकसद यही है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के साथ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के साथ IMA आगे आने वाले समय में जो हमारा राष्ट्रीय प्रोग्राम TB कंट्रोल का है उसमें पूरा सहयोग करे और आने वाले समय में भारत वर्ष पूरा TB मुक्त बने, यह प्रयास रहेगा।
बहुत सुधार हुए हैं, बहुत सुधार हुए। एक वक्त था जब हर मिनट में एक मरीज की डेथ होती थी, फिर ऐसा भी वक्त आया कि हर 3 मिनट में 2 मरीज की डेथ होती थी, आज वो वक्त है कि हर 5 मिनट में एक डेथ है। तो काफ़ी सुधार है, और इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे और एक साथ मिल के काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। मैं डॉक्टर शेर सिंह, जिला क्षय रोग अधिकारी आगरा। ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने ये निश्चय किया है कि जो RNTCP प्रोग्राम चल रहा है, अब तक चल रहा था, उसके स्पीड से अगर हम चलेंगे तो करीब 80 साल हमें इंडिया को TB फ्री करने में लगेंगे, 80 साल। अब इतना लंबे समय में कौन पीढ़ी आई कौन पीढ़ी गई पता ही नहीं। तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि इसको कम से कम समय में और किस तरह से किया जा सकता है कि ये कंट्रोल हो जाए। तब पूरी प्लानिंग बनी और उसमें 2025 का टारगेट रखा गया। इसके लिए जनता में अवेयरनेस और जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको अपने साथ जोड़ना, और उनको साथ जोड़ करके जितने भी टीबी पेशेंट हैं उनका नोटिफाई करना। एक पोर्टल बना है निश्चय, यानी जिससे बीमारी मुक्त, उस पर हर टीबी पेशेंट का नोटिफाई किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसकी एक ID डेवलप हो जाती है और उसको हम जहां चाहें वहां देख सकते हैं। उस पर उसी के हिसाब से जब वो नोटिफाई हो गया, फिर हमारा अगला काम होता है कि उसकी दवा ना टूट पाए, उसे गवर्नमेंट हम प्राइवेट में सारी जाँचें फैसिलिटी सारी फ्री में दे रहे हैं। Celebration TV, Events of a Life.